बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में आप लोगों की मुलाकात राइनोप्लास्टी की मरीज से कराऊंगा, यानी राइनोप्लास्टी जो हम नाक का ऑपरेशन करते हैं। इब्राहिम का 19 ईयर एज है। राइनोप्लास्टी एक ऑपरेशन है नाक का, नाक को रिशेप करते हैं इसमें। इसके अलावा फंक्शनल प्रॉब्लम होते हैं जिसके लिए एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ये चीज़ें होती है, तो वो भी साथ में हल कर देते और शेप भी बना देते। तो इब्राहिम का एज 19 ईयर है। ये ऑपरेशन लड़कों में, मेल्स में 16 साल के बाद के एज में करते, लड़कियों में इसको 15 ईयर के बाद कभी भी कर सकते हैं। यानी जो लोग करना चाहते हैं, तो आइडियल ये है कि अगर आप मेल है तो आपका एज 16 से ज़्यादा होना चाहिए, और अगर लड़की है तो 15 से ज़्यादा होना चाहिए। तो उसके बाद अगर करेंगे तो दोबारा ये शेप ख़राब नहीं होगा। इब्राहिम के नाक में क्या ख़राबी थी, उसको तो 3-4 प्रॉब्लम थे। एक तो इसकी नाक बहुत हाइटेड, लंबी, और ये टिप जो था वो बिल्कुल टेढ़ा था और ब्रॉड था एक साइड से, और इसका सेप्टम एक नाक में आया हुआ था, जिसकी वजह से इसको एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन भी हो रहा था। तो इब्राहिम की नाक अगर आप लोग देखें, आज 10वां दिन है इसका, हमने स्प्लिन हटा दिया, स्टिचेस रिमूव किए, अभी फ्रेश है। लेकिन इसका इतना प्यारा शेप बन गया है कि मैं इसको कह रहा है इब्राहिम के, आपके नाक को देख के मेरा भी दिल करता है कि अपनी राइनोप्लास्टिक करवा दो। लेकिन इब्राहिम से भी पूछते हैं कि ये खुश है नहीं खुश, इसको नाक का जो शेप है पसंद आया नहीं पसंद आया, ये सारी चीज़ें आपको बता देगा इब्राहिम और अपने बारे में बता देगा। इब्राहिम का बिफोर पिक्चर साथ वीडियो में लगाऊँगा मैं, तो आप लोग इसका नाक का शेप क्लियरली देख सकते हो। इसका फ्रंट से आप लोग देख लो, फिर इसका लेटरल साइड से इसका व्यू आप लोग देख लो, लेटरल से कैसे बन गया है। फिर इसका जो है ना दूसरे साइड से आप लोग देख ले, फिर नीचे से इसकी जो नास्ट्रिल का शेप है, इसको हमने कैसे चेंज किया। इसका पहले ये वाला बड़ा था बहुत, एक वाला छोटा था, और ना कुछ साइड पे गई हुई थी। इसका आप ऊपर से बर्ड आई व्यूज देख ले इसका, तो इसका जो डर्सम है कितना, इसको हमने नेरो बनाया। अभी इसमें स्वेलिंग भी है, अभी तो फ्रेश नहीं है। राइनोप्लास्टिक का रिजल्ट 3 से 6 महीने में आते हैं, क्योंकि इसमें स्वेलिंग जो है वो बहुत टाइम लेती है। और राइनोप्लास्टिक के बाद मैंने पहले भी बताया था कि एक दो रात तकलीफ़ होती है, जिसमें आपकी नाक पैक होती है और आप मुंह से सांस लेते हो तो ज़बान ड्राई होती है, जिसकी वजह से मरीज़ को थोड़ा तकलीफ़ होता है। लेकिन उसका भी सलूशन है, ग्लिसरीन लगाना पड़ता है। दूसरी बात यह कि दर्द 2-3 दिन रहता है, तो वो भी दर्द की गोली हम देते हैं, उसके बाद मरीज़ कम्फर्टेबल होता है। इब्राहिम का 10वां दिन है, तो इससे भी पूछ लेते हैं कि इब्राहिम का क्या एक्सपीरियंस है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है, और मेरे नाक में तकलीफ़ थी। एक तो इसका जो शेप था वो गलत था, और दूसरा जो इसमें जब मैं रात को सोता था तो इस वो सांस में तकलीफ़ भी होती थी। तो उसके बाद मैं डॉक्टर के पास आया, तो उन्होंने बताया कि इसका हम जो है वो ऑपरेशन करेंगे रिनोप्लास्टी का। तो फिर मैंने कहा ठीक है, अब ऑपरेशन हो गया है। 2-3 दिन जो था वो तकलीफ़ बहुत थी, जैसे आपको डॉक्टर साहब ने बताया कि ये जो ज़ुबान होता है ना वो खुश्क होता है, तो वो होता था, लेकिन अब ठीक हो गया हूँ। अब ये स्टिचेस और जो बैंडेजेस थे वो रिमूव कर दिए है, और पहले बहुत ख़राब थी, लेकिन अब मैंने जब देखा अपनी नाक को आईने में तो पहले से बहुत अच्छा है। और एट लास्ट आई विल से थैंक यू टू द डॉक्टर। थैंक यू इब्राहिम कि आपने एक्सप्लेन किया, दूसरे मरीजों के लिए भी ये फ़ायदा हो जाते। और अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं दर्द नहीं होगा कुछ नहीं होगा, ये साफ साफ बतानी चाहिए कि नहीं, राइनोप्लास्टी के बाद एक दो रात तकलीफ़ होती है, ज़ुबान खुश्क होते हैं, और उसके लिए आप ग्लिसरीन वगैरह लगाते हैं, बाकी इतना ज़्यादा शदीद तकलीफ़ नहीं होता है। और अगर आप लोग देख ले इसका अब भी आवाज़ थोड़ा चेंज है, वो क्यों, क्योंकि ऑपरेशन का इसके अंदर भी एडिमा होता है, और उसमें नाक में थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन ऑपरेशन के बाद होता है, जो कि 2-3 हफ्ते में सेटल हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।